हेलो फ्रेंड्स, रेनू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मूली कचौड़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे मुरौरी के नाम से भी फ्रेंड्स जाना जाता है। चावल का आटा और मूली से बनने वाला रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 मूली ले ली हुई हूँ। इसे अच्छे से वॉश करके पील कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे ग्रेट करना है। तो ग्रेट करने के लिए इस तरह से मोटा वाला ग्रेटर का हमें इस्तेमाल करना है। पतले वाले बारीक वाले ग्रेटर से आप ग्रेट नहीं करें, उससे अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ मैं 1 मूली को ग्रेट कर ली हुई हूँ और 2 मूली को मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। अगर आपसे बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं हो रहा है तो आप इसे मोटा वाला ग्रेटर से भी ग्रेट करके बना सकते हो। तो मैं दोनों तरह से बना रही हूँ। देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम कट करना है। यहाँ मैं मूली को इस तरह से कट कर ली हूँ और एक और मूली में डाली हुई थी, थोड़ा कम लग रहा था। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों को मिक्स कर देते हैं। और चावल का आटा यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1.5 कप हमारा चावल का आटा है। तो मूली को भी हमें उतना ही लेना है। अब थोड़ा सा कम ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन इक्वल रहने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मूली को नाप लेते हैं। तो ये देखिए, 1 कप और थोड़ा सा हुआ है, 1/2 कप से थोड़ा सा कम है। तो मैं अभी तो इतना ही ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मूली और है नहीं, तो इसीलिए मैं इतना ही ले रही हूँ। अब एक बड़े से बर्तन में, बड़ी सी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ पानी। तो चावल का आटा और पानी का जो क्वांटिटी है हमें बराबर लेना है। तो यहाँ पे पानी मैं डाल दे रही हूँ और पानी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है, इसके सारे मसालों को तैयार कर लेना हमें। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से एक छोटा सा ममजस्ता में मैं 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा ले रही हूँ। इसे हमें इस तरह से कूटना है। आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस तरह से कूट के डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मेहनत तो लगता है, लेकिन इस तरह से मसाला डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कटना है, इस तरह से दरदरा सा हमें रखना है। तो देखिए, पानी तो गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और नमक डालने के बाद इसमें जाएगा मूली। और मूली डालने के बाद 1 से 2 उबाल आने तक हमें इसमें वेट करना है, ताकि जो मूली है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अगर आप सिर्फ ग्रेट करके मूली डाल रहे हो तो उसे उबालने का भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और 1/2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर अजवाइन डाली हुई हूँ। तो ये देखिए, 1 उबाल मूली में आ गया है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है इतना उबलने से। इसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च ली हुई हूँ। 1 हरी मिर्च को कट करके अपने टेस्ट के अनुसार आप लें कितना स्पाइसी खाते हो। और 1 चम्मच में भर के इसमें अदरक डाली हूँ ग्रेट करके, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद जो मसाला हमने तैयार किया था उसे डाल करके मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच तेल। तेल डालने से क्या होता है ना, जो हमारा मुरौरी जो है बहुत ही अच्छा खस्ता बनता है। इस तरह से तेल डालने से बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स। तो आप इसे ज़रूर से डालें, नहीं भी डालेंगे तो बन जाएगा, लेकिन डालने से ज़्यादा अच्छा बनता है। और सारा चावल का आटा को हमें डाल करके इस तरह से कंटिन्यू इसे चलाते रहना जब तक ये ड्राई ना हो। बहुत बार क्या होता है ना, पानी इसमें कम हो जाता है, चावल के आटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या करें, जब पानी ले रहे हो तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ले लीजिए, और जितना एक्स्ट्रा पानी है उसे एक बर्तन में निकाल के रख लीजिए। और इस स्टेज में पता चलता है कि हमें और पानी का ज़रूरत है क्या। तो अगर लग रहा है आपको कि ड्राई लग रहा है चावल का आटा, पूरे में बाइंडिंग नहीं हो पाया, तो गर्म पानी आप इसमें डाल सकते हो। इसे मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, देखिए परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये देखिए, अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो गया है। इसे ठंडा कर लेना हमें दूसरे बर्तन में निकाल करके। तो यहाँ पे मैं दूसरे बर्तन में निकाल ली हुई हूँ और ये ठंडा हो गया है। और ठंडा होने के बाद इसमें हमें डालना हरा धनिया, और इसे हमें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसका डो नहीं लगाना, बस हमें इसका जो खुला खुला है ना, उससे बस बाइंडिंग हो जाए, बस उतना ही हमें इसे मिक्स करना है। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है, देखिए। उसके बाद हाथों को क्या कीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए आप, और थोड़ा सा इस तरह से तेल लगा करके इस तरह से छोटे छोटे बॉल लेना है हमें।
और हाथों के बीच में इस तरह से प्रेस करते हुए इसे रखते जाना है। बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, और छोटे बड़े अपने पसंद के अनुसार इसे बना। और ये इसी तरह से फटाफटा जो साइड में जो देख रहे हैं इसी तरह से बनता है। तो इसी तरह से हमें सारे को बना लेना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बहुत पतला भी नहीं रखना। ऐसे हमें कचौड़ी की तरह फुलाना नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ फोक से थोड़ा थोड़ा इसे पिक कर रही हूँ। इस तरह से फूलने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये क्रंची क्रिस्पी नहीं होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस तरह से पिक करके ही हमेशा बनाती हूँ। इसे आप कचौड़ी की तरह भी बना सकते हो। और ऑयल का टेम्परेचर देखिए हमें इस तरह का चाहिए। ऑयल क्या कीजिए ना, आप अच्छे से पहले गर्म कीजिए, और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें इसे गैस को लो कर देना है, और मुरौरी को हमें इसमें डालना है, और कुछ सेकंड के बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम में करके पूरे मुरौरी को फ्राई करना है। इस तरह से मुरौरी को फ्राई करने से कच्चा भी नहीं बनता है मुरौरी, और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है। अगर लो फ्लेम में आप मुरौरी को फ्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली बनेगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में बनाओगे तो खस्ता क्रिस्पी नहीं होगा, कच्चा कच्चा लगेगा। तो आप इसी तरह से इसे फ्राई कीजिए गोल्डन होने तक। और इस रेसिपी को आप चावल के आटा के बजाय सूजी में भी इसी प्रोसेस से आप बना सकते हो, सूजी वाला भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मुरौरी है बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से कलर में हमें इसे निकालना है, तो इसे निकाल लेते हैं। और दूसरे बैच को भी हमें इसी तरह से फ्राई करना है। इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैं दूसरे बैच भी डाल दी हुई हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मूली का कचौड़ी मुरौरी बनके तैयार है। आप अपने मनपसंद के चटनी के साथ में इसे सर्व कर सकते हो। हमारे यहाँ इसे टमाटर का मीठा चटनी के साथ में सर्व किया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है इस चटनी के साथ में। मैं आपको तोड़ के एक दिखा रही हूँ, ये नीचे से सॉफ्ट होता है और ऊपर से क्रंची होता है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और आगे इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।